जिस प्रकार जशपुर में जो घटना हुआ है और लगातार घटना घटित हो ही रही है और इस घटना के तारतम्य में परसों मंगलवार को एक FIR का आवेदन दिया गया था और पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं किया और FIR के बाद FIR के समय पुलिस प्रशासन 24 घंटा का मोहलत मांगा था। 24 घंटा में अपराधियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस प्रशासन 24 घंटा मोहलत देने के बाद भी जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हुआ है। इतना बड़ा घटना जशपुर में हुआ, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि एक तरफा सपोर्ट ना करे किसी का। इतना बड़ा अपराध हुआ, लड़की के पिताजी ने FIR दर्ज कराने का मांग किया, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज मांग किया है, लेकिन कोई आज तक FIR नहीं हुआ है। अभी चक्का जाम है, जब तक FIR नहीं होगा हम लोग चक्का जाम में बैठे रहेंगे। बंद का आह्वान हुआ है, उसके लिए जशपुर पुलिस के द्वारा लगभग 150 की संख्या में बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो विभिन्न चौक चौराहों और पेट्रोलिंग ग्रुप में लगाया गया है। साथ ही हमने सभी सामाजिक संगठन जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनसे सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी तक सभी प्रकार से शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की जैसा कि सभी हिंदू संगठन समाज के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, तो जो है सभी चौक चौराहों पे टिकट्स लगाए गए हैं और अतिरिक्त पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है और सभी जो है समाज के संगठन के लोग जो उसके लिए इकट्ठा हुए हैं उनसे हमने शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम करने की अपील भी की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है और सिवाय भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था।